नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सत्कापुर गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान के घर हुई लाखों की चोरी। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सत्कापुर गांव में बीती रात एक किसान के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। घर में रखे 50,000 की नकदी समेत लाखों कीमत के जेवर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। सुबह जब खेत की रखवाली कर घर लौटे, सामने मकान का ताला टूटा देखा तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन में उसने घर में रखी नकदी और जेवर चेक किए तो जेवर और नकदी गायब देख उसके होश उड़ गए। पंकज ने बताया कि उसके घर में मकान निर्माण के लिए रखे 50,000 की नकदी और जेवर जिनकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है, उसके चोर अज्ञात चोर उड़ा चुरा ले गए। पीड़ित ने बताया कि वह मवेशियों से फसल की रखवाली करने के लिए रात्रि के समय अपने खेत पर गया था, तब ये घटना हो गई। पीड़ित के द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई है। आइए हम दिखाते हैं क्या हमारे संवाददाता ने बात की पीड़ित से उन्होंने क्या बताया। कन्नौज जिला ब्यूरो चीफ सिबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या हुआ आपके घर पे? भैया मैं हम दो जानी नहीं बड़े अंधे सबरों में रो बगसा बुकवारा ताला सब टोल लाए। क्या बजे ये घटना हुई थी? भैया जो का जाना ही आई कई बजे। आप घर पे थे? यहाँ पे कोई आया तो मतलब आपको जानकारी थी? कोई नहीं भैया, मेरे घर पे तो मेरा बड़ो लल्ला खेत में पत्ता है। तो लगभग कितने चोरी हुई आपके घर पे? अब घर पे हमारे कितने बजे हम तुम्हें बता, मैंने सुबह 6 बजे उठे तो लगभग कितने चोरी हुई होगी आपके घर पे? 3.5 लाख की चोरी। आई अब दोरो तेरो चोरो तो आ रहा तो दुई ते लाख दुई जोड़ी 3 जोड़ी मेरे जाले थे, मेरी बहू नंगी चली गई। पंकज। पंकज जी क्या हुआ आपके घर पे? यहाँ भीड़ लगी काफी। मेरे घर पे चोरी हुई है। कैसे चोरी हुई? अब पता नहीं, हम तो अपने खेत पे पड़ते हैं, गाय रखाते हैं, अगर पे ताला ला तोड़ के सब लूट ले गए, जेवर एवर था पैसे थे। तो आपको कैसे सूचना मिली है? हम तो सुबह आए खेत से लगभग 6:30 बजे तो घर पे देखा वहाँ ताले वाले सब टूटे पड़े। तो लगभग कितने चोरी हुई होगी आपके घर में? लगभग 3.5 लाख के आसपास। तो ये कहाँ पे घर आपका? मेरा घर बीच गांव में है, कोठेदार कोठा है, कोठेदार के घर के मान लो निकट में है, पास में है। मोहल्ला कौन सा लगता है? सादिकपुर गाँव है। सादिकपुर लगता है जी। हाँ हम आपको वही तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने बोला धावा, जहां पर लाखों रुपए की नकदी लेकर चंपत हो गए चोर। आपको दिखाएंगे कैमरा मैन से कहीं तस्वीरों में दिखाएं चले हमारे साथ में किस तरह चोरी को अंजाम दिया है चोरों ने, बीती रात में कितने रुपए की नकदी और क्या क्या लेकर चंपत हुआ चोर यहाँ पर, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहिए। हमारे साथ में माता जी मौजूद है, इनका रो रो बुरा हाल है, जैसे इनके बीती रात सूचना मिली। क्या नाम है आपका? रेखा जी कैसे आपको मालूम है क्या चोरी हुई? कितने को ले गए, कितने रुपए की नकदी दी ले गए? आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे किस तरह चोरी को अंजाम दिया है, किस तरह इसको अंजाम दिया घटना को, कितने रुपए नकदी 3 लाख की बताइए नकदी में लेके चंपक चोरी। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहिए, ये मौजूदा हालत ताला भी पड़ा है यहाँ पर, ताले में दिखाना ये ताला टोड़ा, इससे तोड़ा कैंची से ताला टोड़ा है यहाँ से इतने रुपए की, ये सब घटना को अंजाम दिया है जब रात में, ये सब साड़ियाँ पर ही दिख रही सामने, ये डबियाँ दिख रही, इसमें जेवरात थे सब बताए जा रहे हैं, लगभग जेवरात भी थे, ये तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे हम। ये बकस भी है, बकस भी तोड़ा है, तोड़ कर लेके यहाँ से चंपत हुए हैं। ये भी एक बकस दिख रहा है छोटा सा, जिसको इसको भी तोड़ा है पूरी। चोरों ने अपना ये घर को निशाना बना लिया यहाँ से लेके, पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुँची है, पुलिस को तहरीर भी दी गई है, 112 नंबर पहुँची थी थाने देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच रही है अभी तक। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। इनसे पीड़ित के घर वाले मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे, कोई भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? सर पंकज है। पंकज जी कैसे चोरी हुई आपके घर पे? सर अब ये तो नहीं कैसे हुई, क्या हुआ क्या नहीं, हम तो खेत पर बैठे सुबह मालूम हुआ चोरी हो गई। कितने हुई? लगभग 3.5 लाख 4 लाख के आसपास में हुई, 50,000 नकदी का करीब 3.5 लाख के हिसाब में मेरे 50,000 पैसा का ही 50,000 रुपये लगे था। हम सर मकान बनाना है, मेरे को जगह पड़ी थोड़ी तो बनाने के लिए रख दिया आए थे पैसे, तो हमने सोचा वहाँ पर मकान बनवाएंगे और जानवर के लिए हमको परेशानी होती, मेरे भाई जी हैं उसके लिए परेशानी बांधने के लिए चारा पानी के लिए हमको गाय गोरा बांधेंगे वहाँ पर, और जेवर रखा था जेवर सारा मेरा लूट गया है, 50,000 रुपये ऐसी छोटे वाले बक्सा में पड़ा था मेरा और पैसा का भी होगा। बताया
50,000 रुपए रखे थे हम मकान बनाने के लिए, वहाँ से रात में आए चोर, अपना घर को निशाना बना लिया। दो लोग घर पे थे, जो महिलाएं घर पे थीं वो बोल ना सकी थी, चोर वहाँ से निशाना बनाकर चंपत हो गए। कन्नौज से तेजस 24 के लिए सीरू सैनी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।